हे गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये फोर्थ डे का जो ब्लॉग है मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। मैं आज हूँ रबंगला में और देख सकते हो ये मेरे पीछे है बुद्धा पार्क, और एकदम बुद्धा पार्क के सामने है मेरा होटल। देख सकते हो मैं होटल रूम पे हूँ अभी। इस होटल का नाम है होटल बुधामिका, देख सकते हो ये नाम लिखा हुआ है। तो कल बहुत टायर्ड था, थोड़ा दिन जर्नी करके और सब नमची वगैरह होके आया हम लोग कल, तो उसका ब्लॉग भी देख सकते हो। ये जो रास्ता जा रहा है ऊपर से देख सकते हो रास्ता जा रहा है, वो रास्ता जा रहा है आपका रैलंग मोनास्ट्री और टाइटेनिक व्यू पॉइंट और बोरंग की तरफ। हो सके तो उधर भी जाऊंगा, लेकिन मेरे इधर से कार कुछ मिलता नहीं, तो होटल में जो रिसेप्शन में जो था उस ओनर, तो उसने बताया वो कुछ अरेंज कर सकते हैं, या फिर मेरे को नीचे जाके मार्केट में जाके बुकिंग करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा बात है, इधर से कोई टैक्सी नहीं मिलता है, ATM वो भी सारे उधर ही है। और इधर पार्क में भी जाऊंगा, इस पार्क का एक टिकट भी है। और इधर बहुत ही ठंड है, इसका जो टेम्परेचर अभी दिखा रहा है वो है कि 3 डिग्री सेल्सियस लगभग। अभी दिन में बढ़ेगा, मैक्सिमम अप टू 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। इधर से कितना अच्छा व्यू मिलता है, ये 2-3 होटल है ऐसे उधर पार्क के साइड में है, बुधा रेसिडेंसी, ये बुधा मिका, ये नया होटल है, उस साइड में भी है 2-3 होटल, इससे आपको बढ़िया व्यू मिल जाएगा। और पेलिंग भी ज़्यादा दूर नहीं है, उधर तक थोड़ा दिखाई दे रहा है पेलिंग तो, लेकिन रास्ता घूम के जाना पड़ता है इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। और दोस्तों देख सकते हो ये है बुद्धा पार्क का मेन एंट्री, इधर है बुद्धा स्टैचू हमारा, और बुद्धा रेसिडेंसी एक होटल है इधर, वो भी आप बुक कर सकते हो उसका ऑनलाइन साइट से। ये वाला बुद्धा रेसिडेंसी ये भी एक होटल है पार्क के अंदर, ये है मेन गेट, इधर है टिकट काउंटर, इधर आपको ये सब मिल जाएगा। इधर कार पार्किंग एरिया भी है, सारे के सारे इधर कार पार्किंग एरिया है, देख सकते हो इधर। और वो जो एरिया है आपको इधर सीढ़ी से चल के पूरा ऐसा घूम के सीढ़ी से चल के आपको उधर जाना है ऊपर, और इसके अंदर कुछ फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। और वो वाला जो जगह है उसके ऊपर भी जा सकते हो ऐसा सीढ़ी चढ़ के। और उधर भी एक एंट्री है, वो एकदम फ्लैट एंट्री है रैंप की तरह, और इधर रास्ता भी है, आप सीढ़ी चढ़ के भी जा सकते हो। इधर एक बैटरी कार्ड सर्विस भी है, ये एक फाउंटेन है। ये है हमारा बुद्धा जी का पीछे में देख सकते हो सुंदर, जो कंचनजंगा का व्यू आपको मिल रहा है इस रूम से ही मिल रहा है, सारे के सारे रूम से इधर कंचनजंगा का व्यू और बुद्धा पार्क का व्यू आपको मिल जाता है। वो जो जगह है ना, ये वाला जगह आपको पेलिंग है, वो पेलिंग का जो स्काई वॉक है, इस पेलिंग का स्काई वॉक थोड़ा दिखाई देता है इधर से, और कितना अच्छा सुंदर लग रहा है देखो। ये हमारे होटल के पीछे से ये रास्ता, ये जो रास्ता है होटल के पीछे से जा रहा है एकदम ऊपर से, ये रैलंग मोनास्ट्री जा रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग निकल गए हैं, जाएंगे बोरोंग और रैलंग मोनास्ट्री, और साथ में देखेंगे टाइटैनिक व्यू पॉइंट, और ये है बुधा पार्क, और ये है होटल जो इसका नाम है होटल बुधा मेका। तो आप इस होटल में भी रह सकते हो, ये है मोनास्ट्री का मेन गेट। और कौन कौन सा जगह आप रबंगला में ये बुधा पार्क छोड़ कर देख सकते हो वो भी मैं दिखाऊंगा। अभी हम लोग पहले जाएंगे टाइटैनिक व्यू पॉइंट जो रबांगला से 17 किलोमीटर दूरिया पे है, और लौटने के वक्त हम लोग देखेंगे रैलंग मोनास्ट्री, जो रैलंग मोनास्ट्री रबांगला से 3.5 किलोमीटर दूरिया पे है। ये रबांगला से आपको सुमो मिल जाएगा उधर जाने का, हमारा लिया था 2000 रुपया इस सुमो में। रबांगला से टाइटैनिक जाने का पूरा रास्ते में काम चल रहा है इसीलिए स्मूथ नहीं है, 20 के अंदर ही स्पीड मेंटेन करके आपको चलना है। हमारा होटल से सुबह 10:35 पर निकल के रैलंग रोड और गेरेथंग रोड होके 17 किलोमीटर दूरिया तैर करके पहुंच गए टाइटैनिक व्यू पॉइंट 11:55 पे। खैर ये टाइटैनिक व्यू पॉइंट चूचादुंगा नाम से भी जाना जाता है लोकल में, और इस रोड का यहीं पे ख़त्म होता है। ये टाइटैनिक व्यू पॉइंट नामलंग गाँव का ऊँचे जगह में स्थित है, जिधर से पूरा सामने वाला वैली का अच्छा नज़ारा मिलता है। देख सकते हैं यही टाइटैनिक व्यू पॉइंट का एंट्री गेट, जिधर से आपको व्यू पॉइंट पे जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है, और वो जो घर है वो है आपका टिकट काउंटर। एक्चुअली इधर टिकट का प्राइस डेवलपमेंट फंड का भी काम करता है, और आगे उस साइड एग्जिट पॉइंट के सामने है कार पार्किंग एरिया। और शुरुआत में ही हमारा मिल गया है दो प्योर पहाड़ी दोस्त, जो पूरा रास्ते में हमारे साथ टुकुर टुकुर चलेगा। ये जो सीढ़िया है जा रहा है टाइटैनिक व्यू पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों हम लोग अभी आ गया है टाइटैनिक व्यू पॉइंट पे, जो रैलंग मोनास्ट्री के बाद आता है। इधर रास्ता बहुत ही ख़राब है और बहुत देर लगाने में, और इतना सीढ़ी चढ़ के जाना है आपको,
और ये जो 20 रुपीज़ करके टिकट लेना है आपको, तो हम लोग दो लोग हैं पापा और मैं, तो 40 रुपीज़ करके दो टिकट ले लिया है। और बहुत ही सीढ़ी है और सीढ़ी चढ़ के आपको जाना पड़ेगा ऊपर टाइटनिंग व्यू पॉइंट, तो देख ले रहे उधर से व्यू कैसा आएगा पूरा वैली का। ये है सीढ़िया, पूरा सीढ़िया, और इस साइड है ऐसा खड़ाई वाला वैली। और दोस्तों बहुत सारा सीढ़ियाँ चलने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं ये टाइटैनिक व्यू पॉइंट। देख सकते हो ये जो इसका जो फ्रंट साइड है कुछ टाइटैनिक जहाज की तरह दिखने वाला है, दिखता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया टाइटैनिक व्यू पॉइंट। इधर से पूरा वैली का व्यू मिलता है। और देखिए ये पूरा रास्ता ये हमारे साथ आया है, पूरे सीढ़ियाँ जितना देर तक चल रहा था उतने साथ हमारे साथ चल रहा था। तो चलिए इस टाइटैनिक व्यू पॉइंट से हम लोग इसका व्यू एंजॉय करेंगे। और बहुत सारा सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ा, उतरना पड़ा, और एक साइड है ऐसा वैली, और हम लोग फाइनली पहुँच गए टाइटैनिक व्यू पॉइंट। जो 5 मिनट का सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ा, तो आपके साथ बुजुर्ग आदमी है, सीनियर सिटीजन है, तो इस रास्ते में मत आइए। आप अगर यंगस्टर हो अच्छा सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो जब भी आइए इस रास्ते में, और इस व्यू पॉइंट पर तब भी आइए, ठीक है ना। और ड्राइवर ने जिस रास्ते से आया अपोजिट रास्ते से उतर के हम लोग जो पार्किंग एरिया है उधर तक जाना पड़ेगा। ये व्यू पॉइंट पहले देख लेते हैं, चलिए। उस साइड है हमारा पार्किंग प्लेस, इस साइड से हम लोग अभी आ रहे हैं, इस साइड से फिर निकल के जाना पड़ेगा। और इस साइड है व्यू पॉइंट, सीढ़िया बहुत अच्छा है, इस साइड रेलिंग भी है जो इतना देर तक नहीं था, उस साइड से आया हम लोग। ये सीढ़िया, इधर डस्टबिन भी है, कूड़े वगैरह मैं फेंके इधर डस्टबिन में रखिए। ये है व्यू पॉइंट, पूरा वैली का व्यू मिल रहा है इधर से। और बहुत सारा घर, पूरा वैली, पहाड़ दिखाई दे रहा है उस रास्ते से हम लोग आया इधर तक। और यह है इसका नजारा। वो वाला जो गांव आपको दिख रहा है, भैया ने बताया ये डस्टिंग है, और डस्टिंग ये गांव का नाम है। इधर एक मोनास्ट्री भी है, ये जैसे बता रहा था ये तिस्ता रिवर है, और हमारा रबंगला ओ वाला था है रबंगला, हम लोग थोड़ा दूर चला है, देख सकते हो ये वाला रबंगला दिख रहा है जो ये रबंगला है। अभी हम लोग टाइटैनिक व्यू पॉइंट देख के जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट स्पॉट बोरोंग में स्थित हैंडमेड ऑर्गेनिक पेपर फैक्ट्री देखने के लिए, जिसका असली नाम है बोरोंग पोलोक हैंडमेड पेपर यूनिट, जो एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है। टाइटैनिक व्यू पॉइंट से इसका दूरी है लगभग 13 किलोमीटर, फिर रास्ते की वजह से हम लोगों का पहुँचते पहुँचते टाइम लग जाएगा लगभग 1 घंटे के आसपास। इधर जो प्राकृतिक खूबसूरती है वो कमाल की है। तो अभी हम लोग देख के आ गए हैं बोरोंग का एक पेपर फैक्ट्री, इधर देखेंगे पेपर कैसे तैयार होता है। ये बोरोंग का एक मस्ट विजिट प्लेसेस है, तो पेपर कैसे बन रहा है हाथों से और ऑर्गेनिकली, ये अगर देखना है ये पेपर फैक्ट्री पे बिल्कुल आना है। देख सकते हो ऐसा वाइल्ड फ्लावर लिखा हुआ है,
और ये है हमारा एंट्री पॉइंट। नीचे जाऊंगा, इधर शायद कोई टिकट नहीं है, तो चलिए पेपर फैक्ट्री जो है वो देख लेते हैं एक बार। ये जो है देख सकते हो, इधर से हम लोग एंट्री लेंगे और गाड़ी हमारा आगे चला गया है, फिर लौट के आएंगे इधर। दोस्तों ये जो पीछे है पेपर फैक्ट्री देख सकते हो, ये पेपर फैक्ट्री अभी बंद है। जब आओगे तो आपको ये जो नंबर दिख रहा है नंबर पर कांटेक्ट करना है, और उसके बाद ये इधर का जो ओनर है वो आएगा और आपको शायद दिखाएगा। तो ये हो सकता है अभी ऑफ सीजन है इसलिए बंद है, तो आप सीजन में आओगे हो सकता है खुला रहेगा, लेकिन मेरे को पता नहीं। तो मेरे को कॉन्टैक्ट करने के लिए बोला, मैंने कॉन्टैक्ट किया, बताया कि वो लोग आ रहे हैं दिखाने के लिए और अभी बंद पड़ा है ये शायद। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। देख सकते हो जब आप आओगे तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना है आपको, जो है एंट्री पॉइंट देख सकते हो कुछ, और बाहर का नज़ारा भी मिल रहा है अच्छे तरह से। प्राइस सब देख सकते हो, ये सब पूरा हैंडमेड है, मतलब पेपरडेस का जो चाल से बना हुआ है एकदम पेपर, मतलब पुराने जमाने में जैसे बना हुआ करता था, अभी तो मशीन चलाया लेकिन हाथों से जैसे बनाता है वैसे कुछ इस तरह का पेपर देख सकते हो आपके सामने, ऐसा वाला पेपर पूरा हाथों से बनाया हुआ है। और ये भी ऐसा है जो मास्टर में बुक वगैरह किताब बनाने के लिए ऐसा इसको इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ललित कला एकेडमी वो भी ले जाते हैं इधर से। और कुछ इस तरह का पेपर दिखता है हैंडमेड पेपर, और ये मैडम ने अभी चलाता है। तो अभी जो आ रहे हो बोरंग में, इनके जो सेंटर है अभी आ सकते हो कॉन्टेक्ट करके बिल्कुल। और इधर और क्या क्या मिलता है, डायरी वगैरह, डायरी वगैरह, इयर रिंग्स, अच्छा ये सब मिलता है, और पेपर ही मिलता है, पेपर बैग मिलता है। अच्छा अच्छा ये सब भी पेपर से बना हुआ है। अच्छा अच्छा ये सब मिलता है। अच्छा अच्छा अभी तो अवेलेबल नहीं है। अच्छा बंद है। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी जो स्टॉक है वही चल रहे हैं। अच्छा 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 तो हम लोग देखा ये जो पेपर फैक्ट्री, ये पेपर फैक्ट्री अभी बंद हो चुका है। अभी ऐसा इसका तो कुछ डिमांड नहीं है क्योंकि हाथों से बनाया जाता है और उतना फिनिशिंग भी नहीं आता है, लेकिन इसका भी अभी डिमांड है कुछ जैसे मोनास्ट्री में या फिर एकेडमी में जिधर फाइन आर्ट्स बनते हैं, तो इससे ही चलता है। अभी ये कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, जब सिर्फ उसका जो स्टॉक है वही दिखा। और अब जो लोग आओगे अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो इधर बिल्कुल आ सकते हो। और इसका शुरुआत में थोड़ा गेस्ट हाउस वगैरह है शायद, और बहुत सारा गार्डनिंग वगैरह भी है, और इधर से व्यू भी एंजॉय कर सकते थोड़ा मगर। तो चलिए नेक्स्ट स्पॉट है शायद डायलॉग मोनास्ट्री, वो जाएंगे हम लोग अभी। तो पेपर फैक्ट्री देखने के बाद आप और भी 6 किलोमीटर आगे जाके आप देख सकते हो हैंगिंग ब्रिज, जो फैमतम और बोरोंग के बीच बना हुआ एक कनेक्टिंग ब्रिज है। तो अभी फिर वापस जाते हैं होटल, और उसी रास्ते में आएगा द ब्यूटीफुल डायलॉग मोनास्ट्री, जो इस बोरंग पेपर फैक्ट्री से लगभग 6 किलोमीटर दूरिया में है, और रवांगला से लगभग 3.5 किलोमीटर दूरिया पे है जैसे मैंने पहले बताया। तो इधर से हार्डली 30 मिनट्स लगेगा डायलॉग मोनास्ट्री पहुंचने में, क्योंकि रास्ता थोड़ा खराब है जैसे मैंने बताया पहले बार। फाइनली 2:05 पे हम लोग पहुंच गए हैं डायलॉग मोनास्ट्री के सामने। ये न्यू डायलॉग मोनास्ट्री है जो 1995 में तैयार हुआ था तिब्बतियन लामा द्वारा, जिसमें सेम तिब्बतियन आर्किटेक्चर का मेंटेन किया गया है। इस मोनास्ट्री का और भी एक नाम है जो है पलचेन चोयलिंग मोनास्टिक इंस्टीट्यूट, जिसका वो भी नाम से जाना जाता है। अंदर बहुत ही अच्छी तरह का पेंटिंग और थंगा का कलेक्शन देखने को आपको मिल जाता है। ओल्ड डायलॉग मोनास्ट्री जो था से कुछ ही दूरी में ही स्थित है। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं द डायलॉग मोनास्ट्री, जो हम लोग एकदम पहले गए थे टाइटनिक व्यू पॉइंट, तो पहले देख के दूर था, देख रहे ये वीडियो मुझे पता नहीं तब रास्ता हो सके अच्छा हो जाएगा क्योंकि काम चल रहा है। और डायलॉग मोनास्ट्री एक बेहतरीन सबसे सुंदर मोनास्ट्री है, तो आप अगर आ रहे हो रबंगला तक प्लीज़ ये मोनास्ट्री विजिट ज़रूर करना, क्योंकि आप मिस कर जाओगे तो बाद में पछताओगे। तो
ठीक है, तो चलो रलंग मोनेस्ट्री यही देख के अभी आज का शायद ख़त्म करेंगे और बंगला लौट जाएंगे। तो फिर भूख बहुत लगा है तो जाके हम लोग खाएंगे कुछ। तो दोस्तों ये है रियालोंग मोनेस्ट्री। रियालोंग मोनेस्ट्री का एंट्री आप इधर से लेंगे और इधर से एंट्री लेके ऐसा बड़ा जगह मिल जाएगा। ये देख सकते हो, ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क होगा, छोटा छोटा बच्चे है, इसका स्कूल भी कह सकते हो, इसका ट्रेनिंग सेंटर भी कह सकते हो, जो मॉन्क था उनका छोटा छोटा बच्चा बहुत देखने को मिल जाएगा। अभी थोड़ा ऑप्शन है तो टूरिस्ट कम आता है और सारी जगह सुनसान पड़ा हुआ है, लेकिन मोनेस्ट्री जो है बहुत ही सुंदर है। और मोनेस्ट्री का गेट अभी तक मैंने गया नहीं है अंदर, तो ऐसा लगता है खुला है, तो अंदर कहीं नहीं है। शायद इस जगह पे उन लोगों का क्लास भी होता है, शायद बुद्धिस्ट जो मॉन्क है उनका बच्चे बहुत सारे हैं, उनका क्लास होता है शायद। और ये जो मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री के एकदम साइड में है और एक ऐसा वाला प्रीमिसेस छोटा वाला, इसको ध्यान सेंटर भी कह सकते हैं। ये पूरा अभी बंद है, देख सकते हैं ऐसा कुछ। तो हम लोग जो रियालोंग मोनेस्ट्री है उसका कंप्लीट कर लिया है। इस साइड भी एक प्रीमिसेस है लेकिन सारे बंद है, इधर आप सेल्फी वगैरह ले सकते हो, बहुत सारा सुंदर जगह है। और पीछे रियालोंग मोनेस्ट्री, तो चलिए अभी
वापस चलते हैं हमारा रबंगला वाला होटल में और जाके हम लोग देखेंगे बुद्धा पार्क और उसका नाइट व्यू। ये सब स्पॉट आप देख सकते हो जब आप रबंगला आ रहे हो, स्पेशली रेलंग मोनास्ट्री, तो मिस ना करना। अभी टाइम हो रहा है 2:55, हम लोग अभी होटल में लौट रहा हूँ। आज का टूर कंप्लीट करते करते लगभग 4.5 घंटे लग गया। इन फ्यूचर रास्ता ठीक हो जाएगा तो अब टाइम जो है और भी कम लग सकता है। ये सिक्किम में कभी कभी भूटान का भी गाड़ी देखने को मिल जाएगा जो ऐसा रेड कलर नंबर प्लेट के साथ आता है, जैसे पिकअप वैन और पीछे वाला गाड़ी देख सकते हो। अभी हम लोग ऑलमोस्ट होटल के पास ही पहुंच गए हैं। एक बार जल्दी से इसी गाड़ी से ही रबंगला बाजार जाऊंगा एटीएम के लिए और फिर आके लंच करके बुद्धा पार्क जाना है। तो ये है रबंगला का बाज़ार। इधर आपको गाड़ी वगैरह पार्किंग और एटीएम भी मिलेगा, लेकिन मैंने आया था एटीएम, सारे एटीएम बंद है, सारे बैंक का एटीएम, और सिर्फ एक ही एटीएम काम करता है इधर, ये हिताची एटीएम, जो वाइट लेवल एटीएम काइंड ऑफ थिंग। एसबीआई भी बंद है, एसबीआई खड़ा होकर पड़ा है, एचडीएफसी भी खड़ा होकर पड़ा है। अभी जाकर लंच करना है। तो हमारा लंच हमारा होटल में ऑर्डर करके गया था, इसलिए आके थोड़ा फ्रेश होके लंच कर लिया। थोड़ा देर हो गया बट फ्रेश लग रहा है। अभी जाऊंगा बुद्धा पार्क, मम्मी पापा बहन गया है उधर, मैं भी चल के उधर आपको दिखाता हूँ इस बुद्धा पार्क का आफ्टरनून और शाम का नज़ारा जो ऑब्वियसली नेक्स्ट पार्ट में आ रहा है। तो जल्दी से ब्रेक लेके नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ आपके साथ। इस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना जो ऑब्वियसली फ्री है यार, और उससे मोटिवेशन मिलता है। और गैंगटॉक और रबंगला का पूरा सीरीज वाला वीडियो भी देख सकते हो इधर से। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।